सब्सक्राइब करें टेक्निकल एकेडमी चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो गाइस, मेरे टेक्निकल एकेडमी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छे ऐप के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप लोग यूट्यूबर हैं या आप लोग वीडियो बनाने के या सेल्फी लेने के या फोटो खींचने के बहुत शौकीन हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसमें आप बड़े ही अच्छे तरीके से बहुत ही HD क्वालिटी में और बिना ही अच्छे कैमरे की मदद से आप अपने मोबाइल में एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बना सकते हैं और एकदम DSLR जैसा अपनी वीडियो को लुक दे सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस वीडियो में मैं आपको एक वीडियो कैमरा ऐप के बारे में बताने वाला हूं जो कि बहुत ही बढ़िया कैमरा ऐप है जिसमें आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बहुत अच्छी तरीके से अपनी वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत सारे इफेक्ट और बहुत सारे नए नए फीचर दिए हुए हैं जो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों, ये एप्लीकेशन आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है और ये कौन सी एप्लीकेशन है इसको मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको उस ऐप का थोड़ा सा इंटरफेस और उसकी सेटिंग बता देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आपके सामने एक एप्लीकेशन का इंटरफेस नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पर आप नीचे सबसे पहले सेटिंग नजर आ रही होगी, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप नीचे देखिए वीडियो इनकोडिंग क्वालिटी आपको नजर आ रही होगी। यहाँ से आप जैसे ही अपनी वीडियो की क्वालिटी रखना चाहते हैं, लो, स्टैंडर्ड, मीडियम, हाई, उस हिसाब से आप यहाँ पे कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे अपनी सेटिंग को हाई पे रखता हूँ। उसके बाद मैं फिर बैक चला जाता हूँ। दोस्तों, अब आपको यहाँ पे चार ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, वीडियो, कैमरा, मैजिक कलर, ब्लू स्क्रीन। तो दोस्तों, इसमें मैं चारों ऑप्शन के बारे में आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले जो मैजिक कलर, और इसमें जो सबसे बढ़िया ऑप्शन है मैजिक कलर एंड ब्लू स्क्रीन का, तो सबसे पहले मैं आपको मैजिक कलर दिखा देता हूँ, इसका यूज आपको कैसे करना है। दोस्तों, यहाँ पर आप जैसे कोई भी वीडियो अपनी रिकॉर्ड कर रहे हैं या अपनी इमेज खींच रहे हैं तो सबसे पहले आप किसी भी, अगर आपके पीछे का बैकग्राउंड कोई से भी कलर का है, जैसे कि आप अपने दरवाजे पर या अपने वॉल के आगे वीडियो या फोटो अपनी क्लिक कर रहे हैं, खींच रहे हैं, बना रहे हैं, तो आपके जैसे दरवाजे का कलर, वॉल के कलर कुछ डिफरेंस है, कुछ अलग है, जैसे डार्क कलर है या बहुत ही दूसरा कलर है और आप उसे चेंज करना चाहते हैं, तो आपको कैसे करना है। तो दोस्तों, आपको इसी ऑप्शन की मदद से ये चीज बिल्कुल आसानी से हो जाएगी। जैसे मेरे सामने ये नजर आ रहा है, जैसे मेरे बेडशीट पे ये फ्लावर्स बने हुए हैं, मैं इसका कलर अभी चेंज करना चाहता हूँ, तो सिर्फ आपको अपना मैजिक कलर ओपन करना है और जिस कलर में आपको ये सेलेक्ट करना है वहाँ पर आप इसे ले जाइए। जैसे मुझे ब्लू करना है तो मैं ब्लू पे ले जाता हूँ। अब मैं इस पर अपने फ्लावर्स पर डबल टैप करूँगा तो ये देखिए दोस्तों, आपका जो येलो कलर का आपका फ्लावर्स नज़र आ रहा था वो चेंज होकर ब्लू या जिस कलर में आप चाहें यहाँ से नीचे ऊपर करके कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इससे आपके बैकग्राउंड का लुक कुछ डिफरेंट हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये आपका काम करेगा, लोग देखकर चौंक भी जाएंगे कि ये आपने कैसे किया। दोस्तों, ये तो हो गई आपके फर्स्ट ऑप्शन की बात। अब मैं बात करता हूँ ब्लू स्क्रीन की। दोस्तों, ये बिल्कुल आपके क्रोमा की तरह है। किसी भी एप्लीकेशन में जैसे क्रोमा की होती है, आप अपने पीछे का बैकग्राउंड ग्रीन या ब्लू रखें, लेकिन इसमें चेंज करने के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन दिया है। जैसे आपने पीछे ग्रीन बैकग्राउंड करके अपनी वीडियो बना रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, डायरेक्टली ऑप्शन दिखाता हूँ। मैं यहाँ अपना जैसे फिंगर, अपना हैंड यहाँ पे रख देता हूँ। अब मुझे अपना बैकग्राउंड चेंज करना है, तो मान लीजिए ये मुझे बेडशीट है, ये अगर ग्रीन स्क्रीन या ब्लू स्क्रीन की होती तो मैं अपने बेडशीट पे सिर्फ डबल टैप करता तो ये देखिए बैकग्राउंड आपका चेंज हो जाता बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए अभी थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नहीं चेंज हुआ मेरा, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट कलर की बेडशीट है, लेकिन फिर भी ये काफी हद तक देखिए यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो आप इसे कम ज्यादा करके अपने बैकग्राउंड पे सेटिंग भी कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, जैसे कि आप कोई एप्लीकेशन, कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं अपना बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, उससे ये बहुत ही अच्छी तरीके से और सिंगल क्लिक में सबसे बड़ी बात आपके बैकग्राउंड को रिमूव कर दे रहा है। और इसमें आपको बहुत सारे इफेक्ट मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट मिलने वाले हैं जिससे आपकी वीडियो बहुत अच्छी और शानदार हो सकती है।
तो अब मैं आता हूँ अपने वीडियो के ऑप्शन में कि मुझे अगर वीडियो बनाना है अपने यूट्यूब के लिए तो मैं क्या करूँ। यहाँ पर आपका फेस ब्यूटी भी ऑन हो जाएगी, आप चाहें तो ऑन कर सकते हैं जिससे आपकी फोटो बहुत अच्छी आएगी। अब इसमें बहुत से आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे कई सारे आपको इफेक्ट नीचे मिलने वाले हैं, यहाँ पर आप अपना इफेक्ट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत सारे हैं तो कई तरीके से आपको मिलेगा जिससे आपकी फोटो वीडियो बहुत ही अच्छी हो सकती है। तो दोस्तों इसमें बहुत से इफेक्ट है, आप कोई सा भी इफेक्ट चूज कर सकते हैं। देख लीजिए जैसे मैं कुछ और आपको दिखा देता हूँ, बहुत सारे इफेक्ट है और इस पर करेंगे तो आपकी फोटो नॉर्मल ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगी। अब मैं अपने माउस का थोड़ा आपको दिखाता हूँ। अब इसके ऊपर आपको सबसे पहले जो ऑप्शन नजर आता है इस पर आप मैं क्लिक करके देखता हूँ। ये देखिए आपका जो बैकग्राउंड है बिल्कुल ब्लर हो जाएगा। आप वन क्लिक पे अपने बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। अभी मैं अपने तीसरे ऑप्शन पे जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको ये किस तरह का लुक में आ रहा है। और चौथे ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो ये सॉफ्ट फोकस आएगा आपका, और पांचवे ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो ये ब्लर जूम आएगा, जूम थोड़ा ब्लर होकर आएगा। इसमें दोस्तों कई सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। इसमें देखिए कैसा लुक आ रहा है, ये थोड़ा आपकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये देखिए फिश आई है एंड आपको बहुत से इसमें आपको फिल्टर और बहुत से आपको इसमें इफेक्ट मिलने वाले हैं इस ऐप में। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा ऐप है और बहुत ही बढ़िया ऐप है। इसमें आप अपनी वीडियो बहुत अच्छी क्वालिटी में एकदम DSLR लुक में बना सकते हैं और अपनी वीडियो में कई सारे इफेक्ट दे सकते हैं। देखिए इसमें ये वाटर वाला भी इफेक्ट है जो आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा बहुत सी जगह पर, कई सारे इफेक्ट आपको इसमें मिल सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कहाँ से करेंगे। सिंपली आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना है और वहाँ पे आपको टाइप करना है Musemage। ये देखिए दोस्तों जैसे ही Musemage टाइप करेंगे तो इस तरह का आपके सामने लोगो या इंटरफेस आ जाएगा। इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों आप यहाँ पे इसका लोगो देख लीजिए किस तरह है, और ये बहुत ही अच्छा ऐप है। आप इसे यूज करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि ये आपको कैसा लगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नई टेक्नोलॉजी बातों और टिप्स के साथ। बाय बाय।